नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है बहन जी आपका? ज्योति जांगिड़। ज्योति जी, आप कहाँ से आई हैं? जिला जयपुर, राजस्थान। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मार्च 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, मैं हिंदू धर्म में जो भी साधना हुआ करती थी वही सब किया करती थी। नवरात्रि के व्रत रखा करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत रखा करती थी, 16 सोमवार के व्रत किया करती थी और श्याम जी में मेरी बहुत श्रद्धा थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का सबसे बड़ा कारण, मुझे एक भयंकर रोग था। मुझे 2013 में टाइफाइड हो गया था। इसके बाद फेफड़े ख़राब हो गए थे, लंग्स ख़राब हो गए थे, रोग ज़्यादा बढ़ गया और मैंने डॉक्टर्स के पास सलाह ली। डॉक्टर्स ने बताया कि अब इसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक ही डॉक्टर से नहीं, मैंने जयपुर के पूरे हॉस्पिटल्स में दिखाया था, चेकअप कराया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। अंत में मुझे कह दिया गया कि ये लास्ट स्टेज पर है, इसे ले जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरे आने का यही कारण था कि मैं बहुत ही बीमार थी। जब मृत्यु शैया पे थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ अपने घर लेके आ गए। यहाँ लाने के बाद मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, जो कि मेरे पेरेंट्स पहले से ही सत्संग देखा करते थे, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा भी करते थे। मुझे बताया कि तुम भी ये किताब पढ़ो, आपको पढ़ने से लाभ हो सकता है, इंटरव्यू सुनो और सत्संग देखा करो। तो मैंने भी संत रामपाल जी महाराज की साधना चैनल पर जो सत्संग आता था वो मैं देखा करती थी और मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पूरी पढ़ी। इसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ मिले। मुझे टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड बिगड़ते बिगड़ते बढ़ गया। इसके बाद मैंने देशी दवाइयाँ भी खाई और झाड़ फूंक भी करवाया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद सभी हॉस्पिटल्स में धीरे धीरे मैंने दिखाया, एक के बाद एक हॉस्पिटल में बदलती गई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरे फेफड़े ख़राब हो गए थे, वो गंभीर होता चला गया। इसके बाद मेरे पति से कह दिया गया कि इसे ले जाओ, यहाँ इसका कोई इलाज नहीं होगा। इसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स यहाँ अपने साथ लेके आए, मैं बरवाला गई और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात 3 महीने में मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुकी थी और जहाँ मैं एक गिलास जूस भी नहीं पी सकती थी, फल भी नहीं खा सकती थी, वहाँ पर मैं अच्छी तरह से खाना खाने लगी। मैं 3 समय भरपेट खाना खाने लगी और कुछ ही दिनों में मेरी हालत बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। चूँकि डॉक्टरों ने बता दिया था कि यह ठीक नहीं होने वाली है, दोनों लंग्स मेरे ख़राब हो चुके थे, बावजूद इसके मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात उस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई। जबकि सब हैरान थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले सब हैरान हो गए कि इसको इतना बड़ा लाभ कैसे मिल गया, ये तो मृत्युशैया पे थी, इसकी तो मौत होने वाली थी। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड, जिनको शराब पीने की आदत थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मेरे हस्बैंड की जो शराब पीने की लत थी वो छूट गई और हमारे दोनों के बीच अनबन रहा करती थी वो भी समाप्त हो चुकी थी। हम आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्मीद खो चुके हैं कि वो अब ठीक नहीं हो सकते, बीमार हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप निराश मत हो, आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और उनके बताए हुए मंत्रों का जाप करो, उनके बताए हुए नियमों का पालन करो, फिर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन भारी रोग से ग्रस्त थे, कोई कैंसर से, किसी को किसी की किडनियां फेल थी, किसी के लंग्स ख़राब हो चुके थे, सभी को लाभ मिला, सभी स्वस्थ हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए उनके सत्संगों का प्रसारण होता है दोपहर श्रद्धा चैनल पर 2 बजे,
सारथी चैनल पर शाम 6:30 बजे, साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे। नीचे येलो बार पर उनके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं जो आश्रम के होते हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए और नज़दीकी नामदान केंद्र से संपर्क करो और नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद जी। नमस्कार।